अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, फंक्शन का पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक टॉपिक था जिस पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। मैंने बस हल्का सा बीच में बता दिया था कि अगर किसी फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा, लेकिन डिटेल में जरूरत थी उसकी बताने की। वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर आप ग्राफ को शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग तो आपने ऑलरेडी देखी हुई थी, मैंने आप लोगों को जब डोमेन एंड रेंज का बताया था तो वहां पे ग्राफ हमारा शिफ्ट हो रहा था। मतलब ग्राफ में अगर 1 ऐड करो, कोई नंबर ऐड करते हो तो वर्टिकली हो जाता है ट्रांसलेट, या नेगेटिव करोगे तो नीचे हो जाता है वो। अगर आप इनपुट में किसी नंबर को ऐड करोगे तो वो लेफ्ट पे हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट पे हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन तो हमने ऑलरेडी देखी थी ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा होता है कि अगर आप स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करो, वर्टिकली स्ट्रेच या वर्टिकली कॉम्प्रेस आपने कर दिया, या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस आपने कर दिया, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, इसको देखेंगे। और फिर एक और चीज है, वो ये है ग्राफ की रिफ्लेक्शन। आप ग्राफ की रिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हो, या ग्राफ की रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हो, इस वाले टॉपिक को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर स्केलिंग की बात करते हैं तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एड सब्ट्रैक्ट, तो आपने देख लिया कि एड सब्ट्रैक्ट करते तो ग्राफ पे क्या असर पड़ता है। अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या असर पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, फिर ग्राफ को क्या असर पड़ेगा। तो अगेन वही चीज, इनपुट को मल्टीप्लाई करना और फंक्शन को मल्टीप्लाई करना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। जब आप किसी नंबर से फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। और अगर आप किसी नंबर से डिवाइड, या सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ लो, अगर 1 से ग्रेटर, अभी मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, नेगेटिव पे नहीं आया मैं अभी। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और वो नंबर 1 से ग्रेटर है तो आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है, और अगर वो नंबर 1 से कम है, 0 और 1 के दरमियान है, तो आपका ग्राफ वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाता है। इसी तरह अगर आप इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, जैसे ग्राफ को पकड़ के कॉम्प्रेस कर दो। अगर आप इनपुट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 1 से छोटा है, तो आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाता है पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ी अच्छा, ये बातें आपको जो नॉर्मली आसानी के लिए ना ये वाला फंक्शन बताया जाता है f(x)=x2, अगर मैं ये बताऊंगा ना इससे आपको नजर नहीं आएगा, इसमें आप वर्टिकली स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस को एक ही बात समझोगे, हालांकि अगर डिफरेंट ग्राफ लोगे तो आपको बात अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो दैट्स व्हाई मैं ऐसा ग्राफ लाया हूं कि जिससे आपको इनमें फर्क समझ आए कि वर्टिकली स्ट्रेच करना और हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस करना ये एक बात नहीं, अलग अलग बातें हैं। थोड़ा देख लेते हैं, अब वो मैं लाया हूं साइन फंक्शन f(x)=sin(x). अब इसके साथ हम करेंगे जो भी हमने करना है, कंसीडर कर लो ये जो है इसको आप ले लो कि ये वैल्यू 1 है, और इसको ले लो ये वैल्यू -1 है। नॉर्मल सिंपल साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बन रहा होता है, ये पीक होती है 1 के ऊपर इसकी, फिर बॉटम पे पीक होती है -1 के ऊपर, ये पूरा एक पीरियड मैंने पूरा ड्रॉ किया हुआ। इसी तरह नेगेटिव की बात चलो हम कर लेते हैं, नेगेटिव में चलो क्लियर हो जाए, थोड़ा सा ग्राफ अजीब बन सकता है मेरा, तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कंसीडर कर लो ये जो है, ठीक है, ये आपने साइन का ग्राफ बनाया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप साइन के फंक्शन में कुछ ऐड करोगे तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे चला जाएगा। अच्छा, एक्स के अंदर किसी नंबर को ऐड करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे राइट की तरफ चला जाएगा, ये तो शिफ्टिंग होती है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये वही एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था ना आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये वही चीज है कि आपने क्या किया, आपने जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो गया, ठीक है। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो अगर ये 2 है तो अब आपका ग्राफ ये होगा, इसी तरह नीचे कंसीडर कर लो अगर ये -2 है तो अब ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा। तो हुआ क्या, आपका ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच हो गया, ठीक है। वर्टिकली स्ट्रेच को आप इस तरह समझो कि फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट था, अगर आप π/2 पुट करो तो आपको 1 वैल्यू मिलती थी, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये पॉइंट है π/2, 1, ये इसके ऊपर पॉइंट है। तो जब आप वर्टिकल किसी भी ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच करते हो ना, इसका मतलब कि सेम एक्स वैल्यू पे अब आपको वाई वैल्यू कुछ और मिलेगी, मतलब अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया फंक्शन को तो वाई वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो सेम एक्स वैल्यू पे अब आपको जो वाई वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, अब आपको मिलेगी 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, π/2, 2। तो जो नॉर्मल ग्राफ पे आपको वाई वैल्यू 1 मिल रही थी, जब आप फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो ना, इसका मतलब वो वाई वैल्यू भी मल्टीप्लाई हुई है,
डबल हो जाती है। ये वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब होता है अगर आप पॉइंट की लैंग्वेज में देखो। और ग्राफ की लैंग्वेज देखो तो आप ग्राफ क्या होगा, सिंपल ये है कि आप इस वाले पीस को पकड़ के ऊपर खींचो, इसको नीचे खींचो, सेम इधर भी ये होगा, लेकिन मैं अभी राइट की बात कर रहा हूं अभी। तो ये होता है वर्टिकली स्ट्रेच। अच्छा, एक है वर्टिकली कॉम्प्रेस। वर्टिकली कॉम्प्रेस का मतलब फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन को 1 से छोटे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, आपका ग्राफ वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब वर्टिकली कॉम्प्रेस का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पाई बाय 2 पे 1 वैल्यू मिल रही थी ना, अब पाई बाय 2 पे आपको 1/2 वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो 1/2 है ना, इसको आप y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 1/2, अब पाई बाय 2 पे आपको 1/2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो 1/2 कंसीडर कर लो यहां पे है, तो अब आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने ग्राफ को पकड़ा और वर्टिकली कॉम्प्रेस कर दिया इसको। इसको हम कहेंगे कॉम्प्रेशन, लेकिन वर्टिकली कॉम्प्रेस किया आपने उसको। और वर्टिकली कॉम्प्रेस का मैथमेटिकल मैंने मतलब बताया कि वाई वैल्यू जो है जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वाई वैल्यू भी मल्टीप्लाई होती है। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो वाई वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप 1 से छोटे से करोगे तो वाई वैल्यू कम हो जाएगी, आपका ग्राफ कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब सेम एक्स वैल्यू पे अब आपको हाफ मिलेगी वाई वैल्यू। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना या हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस करने का क्या मतलब होगा। वो ताल्लुक है इनपुट से। अगर आप इनपुट के साथ कोई छेड़खानी करो, कंसीडर कर लो मैं इसमें जो इनपुट है ना एक्स, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी टू नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब मैं इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, मतलब मैंने इनपुट को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो 1 से ग्रेटर है, तो अब आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाएगा। कितना जरा देख लेते हैं। अब आपका ग्राफ ये हो जाएगा, मैं यहां पे बना देता हूं, मतलब सेम इधर ही बनाता हूं ताकि आपको फर्क समझ आए कि फर्क क्या पड़ा है उसके ऊपर, वरना वो डायग्राम काफी मिक्स हो जाएगी। ये 1 है, ये -1 है। कंसीडर कर लो जो पूरी साइकिल होती है 0 होता है, और ये जहां पे पूरी साइकिल एंड होती है 2π होता है ना कंसीडर, और दरमियान में ये वाला जो है पाई होता है। साइन की अगर हम बात करें तो कंसीडर कर लो 0 है और ये चीज पाई है, मैं 2π नहीं बना रहा, पाई बना रहा हूं। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप या सेम ही लेवल रखते हैं ताकि आपको डायग्राम में थोड़ा समझ आए, तकरीबन इसके उधर ले लेते हैं पाई को, ठीक है, और ताकि आपको समझने में आसानी है, और इसको हम 2π ले लेते हैं। अब जरा देखना होगा क्या होगा, ये कि जब आप इनपुट को किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो जाएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पॉइंट मिल रहा था ना यहां पे पाई बाय 2 एक्स वैल्यू पे, मतलब वाई वैल्यू आपको 1 मिल रही थी एक्स की पाई बाय 2 वैल्यू पे, लेकिन अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसके इनपुट पे, तो अब क्या होगा, सेम वाई वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और वो जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया था ना उसको आप x से डिवाइड कर दो, मतलब पाई बाय 2 को आप डिवाइड करो 2 से, पाई बाय 4 आएगा। अब सेम वो y वैल्यू जो 1 है ना, वो आपको पाई बाय 4 पे मिलेगी। तो जब आप इनपुट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अब आपको वो y वैल्यू जल्दी मिलेगी। पहले आपको y वैल्यू 1 मिल रही थी पाई बाय 2 पे, अब आपको वही y वैल्यू मिलेगी 1 किस पे, पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 जिससे आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ये जो अब आपको मिलेगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 तकरीबन यहां पे होगा ना, बहुत देर से पीछे होगा, तो आपका ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा। यो करके ये वाला पॉइंट जो है पाई बाय 2 है और ये वाला पॉइंट जो है पाई बाय 4 है। तो अब आपको पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। तो अब अगर आप देखो ये ग्राफ क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली आपने कॉम्प्रेस, ओरिजिनल ग्राफ ये था, ये ओरिजिनल ग्राफ था, आपने इसको कॉम्प्रेस कर देना। तो जब हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बेचारा ये हालत हो जाएगी कि जो आपको पहले y वैल्यू मिल रही थी किसी x वैल्यू पे, अब क्या होगा, वही y वैल्यू मिल रही होगी लेकिन x को डिवाइड कर दोगे जिस भी नंबर से आपने किया हुआ होगा। और बिलफर्ज अगर वो नंबर 1 से छोटा होगा तो अब क्या होगा, कंसीडर कर लो अगर वो नंबर, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, कंसीडर करो वो नंबर ये है 1/2x। तो 1/2x का मतलब क्या है कि अब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा आपका ग्राफ। कहने का मतलब अगर पहले आपको y वैल्यू 1 मिल रही थी पाई बाय 2 के ऊपर, तो अब क्या होगा, पाई बाय 2 को डिवाइड करो 1/2 से, पाई बाय 2 को जब आप 1/2 से डिवाइड करोगे ना तो जस्ट पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब वही y वैल्यू मिलेगी आपको पाई के ऊपर, मतलब देर बाद मिलेगी, पाई मतलब 180 डिग्री होगा ना अगर डिग्री के समय बात करो, तो सेम y वैल्यू अब आपको देर बाद मिलेगी, ठीक है। तो अब आपका ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, कंसीडर कर लो इसको हम, ये 2π है और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये 4π है। तो आपको ग्राफ इस टाइप का मिलेगा,
ये ग्राफ मिलेगा। तो हुआ क्या, ओरिजिनल ग्राफ ये था ना, उसको पकड़ के स्ट्रेच कर दो हॉरिजॉन्टली, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब देखो आपको वैल्यू मिली थी पाई बाय टू पे वन, ये जो पॉइंट है ना दरमियान का, ये पाई है। तो अब सेम वाई वैल्यू मिल रही है आपको पाई के ऊपर, जो कि पहले आपको ओरिजिनल ग्राफ में मिल रही थी पाई बाय टू के ऊपर। तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस का मतलब, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच का मतलब कि अगर आप इनपुट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो वन से कम है, तो आप ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को चार चीजें क्लियर कर दी। अब बिलफर्ज अगर किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या असर पड़ेगा? देखो मैं नेगेटिव सिर्फ माइनस वन की बात कर रहा हूं। अगर आप ग्राफ को आप बोलते हो कि सर इस तरफ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनस टू साइन एक्स, तो असल नेगेटिव के असर की मैं बात कर रहा हूं। टू साइन एक्स तो आपको पता है ना, टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये टू साइन एक्स का ग्राफ है। असल बात है कि नेगेटिव का क्या असर पड़ रहा है, तो माइनस टू मल्टीप्लाई करना ये समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल समझना क्या है कि माइनस का क्या मतलब है, टू साइन एक्स का तो मतलब आपको पता है। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना किसी ग्राफ को, अगेन वही चीज, इनपुट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फंक्शन को नेगेटिव से कर रहे हो, दो चीजें होती हैं। तो अगर आप फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो जो ग्राफ है ना वो रिफ्लेक्शन बन जाती है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर आप उसके इनपुट को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिफ्लेक्शन बन जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप शीशा रख दो, मैं बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, एक सिंपल साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं यहां पे, कंसीडर कर लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू माइनस वन है, ये जो है ये पाई है, ये जो है टू पाई है, ये सिंपल ग्राफ है साइन एक्स का। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, जस्ट मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसको ये समझो कि मैंने एक्स एक्सिस पे एक शीशा रख दिया, मतलब हम कहेंगे रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अब क्या होगा, जो फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हो आप ऊपर खड़े हुए हो और दरमियान में शीशा रखा हुआ है, तो अब क्या होगा, ये पॉइंट यहां पे है ना, दरमियान में अगर शीशा है तो यही पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट यहां पे, ये पॉइंट आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट जो यहीं पे होगा, मतलब इस टाइप का आपको मिल जाएगा यूं करके। ठीक है, इसी तरह जब आपने एक्स एक्सिस में मिरर रखा हुआ है तो अब ये वाला पॉइंट मिरर में आपको यहां पर नजर आएगा, कंसिडर कर लो ये वाला पॉइंट मिरर में यहां पर नजर आएगा, यहां पर पॉइंट यहां पर नजर आएगा, तो आपकी शेप बन जाएगी, मतलब अब आपका जो कर्व है वो इस टाइप का बन रहा है। तो ये शेप जो होती है, ये शेप होती है माइनस साइन एक्स की, और ये शुरू में बनाई थी, ये शेप थी साइन एक्स की। तो हुआ क्या कि जब आप फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपल ये समझो कि आपने उसकी रिफ्लेक्शन निकाली है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब मिरर रख दिया था आपने एक्स एक्सिस के अलोंग। और अगर हम बात करें कि यार अगर मैं इसके इनपुट को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर ग्राफ में क्या असर पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है नॉर्मल साइन का, ये ग्राफ है, यह है साइन का। अब मैं इसके इनपुट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो हम जरा देखते हैं। इनपुट को जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो अगर तो वो फंक्शन इवन है फिर तो आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे कॉस का ग्राफ बनाऊं, ये कॉस है, अब मुझे ऑलरेडी पता है सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इवन फंक्शन है। अब अगर मैं कॉस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स या कॉस माइनस एक्स सेम ही ग्राफ होता है इसका, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये रिफ्लेक्शन है लॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट इधर नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट इधर नजर आ रहा है, ऑलरेडी ये रिफ्लेक्शन है लॉन्ग वाई एक्सिस, इसमें तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा। अगर जो फंक्शन इवन नहीं है उसको जब आप इनपुट से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना उसके इनपुट को, तब आपको नजर आता है कि वो पूरी रिफ्लेक्शन बन जाती है उसके लॉन्ग वाई एक्सिस। मतलब आप कंसिडर कर लो आपने मिरर रखा वाई एक्सिस के ऊपर, अब आपको इस तरह की शेप मिलेगी कि सेम वाई एक्सिस पे अगर मिरर है तो ये पॉइंट आपको यहां पर नजर आएगा, इधर वाला पॉइंट जो है कि आपको यहां पे नजर आएगा, ये वाला पॉइंट जो है आपको कि यहां पे नजर आएगा, तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा था। ये पॉइंट जो है आपको यहां पे नजर आएगा कहीं, ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट जो है कहीं आपको यहां पे नजर आएगा, इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है ये आपको कहीं यहां पर नजर आएगा, ये होगा यहां पर होगा, तो इस टाइप की आपको शेप मिल जाएंगे। तो ये जो ग्राफ अजीब सा बना है ना इस किस्म का, ये ग्राफ क्या होगा साइन माइनस एक्स का, और ये ग्राफ जो है ये किसका साइन एक्स का। तो ये समझ लो बस एक शीशा रख दिया आपने, दैट्स इट, उसके अलोंग रिफ्लेक्शन आप मालूम कर रहे हो, इस तरीके से मालूम करोगे।